Assalamualaikum viewers, welcome back. जी viewers, ये वही ड्राइंग है जिसे हम पिछले चंद वीडियो से यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लिस्ट फाइल शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ये लिस्ट क्या काम करती हैं कि अगर आपके पास आपने कोई कॉरिडोर बनाया है या किसी सरफस के आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और उसके जब आप पॉइंट रिपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें कुछ मिसिंग आ रहे हैं आपके सेक्शन, ठीक है, या कोई पार्टिकुलर पॉइंट है जिसका आप एलिवेशन लेना चाहते हैं और उसका कोऑर्डिनेट और पॉइंट हासिल करना चाहते हैं, तो ये लिस्ट यही काम करेगी, ठीक है। आपके सेक्शन में अगर आपके पास कोई पॉली लाइन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसके आपको एलिवेशन जो है और स्टेशन ऑफसेट जो है वो प्रॉपर रिपोर्ट में नहीं मिल रहे और आपने उसको एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो आप इजीली कैसे कर सकते हैं, हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास जो है आपके सेक्शन का पॉली लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी अभी अगर मैं ये सिंगल सिंगल सेक्शन पे पॉली लाइन ड्रा करना शुरू करूँ तो उसके लिए मुझे बड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, तो हम इस चीज़ को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, ओके। तो ये मेरे पास फाइल है एक्सट्रैक्शन डाटा एक्सट्रैक्शन के नाम से, पहले भी हमने यही यूज़ की है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेव एज करता हूँ, बल्कि एक्सपोर्ट करता हूँ मैं इसको, एक्सपोर्ट, ओके, DXF, ओके। आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर रहे हैं कर सकते हैं, मैं 2018 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक डाटा सेव था DXF का, मैं इसी को रीनेम कर देता हूँ, ओके, यस। डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। अभी जो DXF फाइल हमने सेव की है, मैं उसको ओपन करता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं DXF की ऑप्शन लेता हूँ, तो ये एक ही फाइल है जो अभी अभी हमने क्रिएट की है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, फाइल हमारी ओपन हो गई है, ओके। तो अभी अगर आप इसमें देखें तो ये लेबल सारे जो हैं एम टैक्स वगैरह में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये जो हमारी सेक्शन लाइन थी, ठीक है, तो ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने अपनी लाइन को, ठीक है, सरफेस लाइन को, सेक्शन का जो टॉप है या बॉटम है या कुछ भी है, उसको हमने पॉली लाइन में कैसे कन्वर्ट करना था, इसीलिए ये हमने देख लिया इस वीडियो में। इतने सेशन में हमें ये पता चल गया कि हम क्विकली कैसे अपनी पॉली लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो पॉली लाइन है, ठीक है, सबसे पहले मैं ये जो OGL की पॉली लाइन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गई है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ओके, ठीक हो गया। अभी ये वाली जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, ओके, इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, ओके, और इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसका मैं कलर वो रखता हूँ जो हमारे पास ड्राइंग में पहले उधर नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब लाइन के कलर चेंज हो गए हैं, ओके। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, ठीक है, और इनको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, ओके। अभी मैं जिस फाइल में सिविल 3D के क्रॉस सेक्शन है, मैं उस फाइल में जाता हूँ, ठीक है। तो ये हम अपनी फाइल में आ गए हैं वापस, ये सिविल 3D की फाइल है, वो DXF फाइल थी ये वाली, आप देख सकते हैं इसमें एक ऐड लिखा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ,
और मैं इसको फेस टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डाटा एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है। ठीक है, तो मैं ये जो थिन लाइन है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं सेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, और ये जो सेक्शन टैब है यहाँ जो हमारा पीजीएल और ओजीएल में स्टाइल है, ठीक है, यहाँ से मैं इसकी लेयर ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये लेयर मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इसके बैक में अभी पॉलीलाइन के बैक में जो लाइन थी अभी वो जो है हमने उनकी लेयर ऑफ कर दी है। तो आप देख सकते हैं अभी ये हमारे पास दो किस्म की पॉली लाइन है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ चीज़, ठीक है, मैं इसका व्यू जो है वो स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं और हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो ये जो टॉप का सेक्शन है इसमें क्रॉस सेक्शन रखता हूँ मैं, और ये जो नीचे वाला है इसमें मैं प्लान को शो करता हूँ। तो ये हमारा 64 का स्टेशन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई भी स्टेशन ले सकते हैं आप, रैंडम कोई भी स्टेशन जो भी है आप ले सकते हैं। जैसे ये 46 है तो यहाँ पे मुझे 46 वाले को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये 46 का सेक्शन जो है ये हमारे पास थोड़ा व्यू आ गया है इसका। ठीक है, तो हम इसका व्यू दोबारा स्प्लिट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास 46 का सेक्शन है। ओके, मैंने इसका व्यू स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, और ये 46 का सैंपल लाइन है हमारे पास। ठीक है, मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, ये 46 की सैंपल लाइन है। तो अभी आप देखेंगे इसमें कि ये लिस्ट क्या काम करती है। ठीक है, तो मैं लिस्ट को लोड करता हूँ। ओके, ये दो लिस्ट है मेरे पास, टेस्ट सेक्शन के नाम से है और टेस्ट सेक्शन पॉइंट है। तो मैं दोनों को लोड करता हूँ, लोड क्लोज। ओके, तो पहले यहाँ जो है मैं लिस्ट जो यूज़ कर रहा हूँ वो टेस्ट पॉली लाइन है। ओके, ये टेस्ट पॉली लाइन है, इसमें मैं ये जो ग्राउंड की लाइन है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जितने पॉइंट इसमें थे इस लाइन में वो हमारे इधर ड्रा हो गए हैं सैंपल लाइन पे। हम एक और के करके देखते हैं। ठीक है, 48 है, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं 50 का करता हूँ, थोड़ा गैप आ जाएगा क्योंकि ये सैंपल लाइन बहुत आस पास पास में है। तो मैं 70 वाला कर लेता हूँ। ठीक है, और इधर ये जो व्यू है ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो मैं फिर कमांड देता हूँ इसको, पॉली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि इधर पॉइंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये पॉइंट आ गए हैं आपके। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी अपने सेक्शन के, जिसके आपके कोड कोडिंग नहीं हुई हुई, कॉरिडोर के कोई सेक्शन है आपका और आप उसकी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बहुत इजीली जो है अपने उस सेक्शन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करके आप उसके पॉइंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। हर वर्टेक्स पे जो भी उसमें वर्टेक्स होगा, ठीक है, वहाँ पे ये डिस्प जो है ये बहुत ज़बरदस्त वर्किंग करती है, कोई भी इसमें वर्टेक्स मिस नहीं होता है। ठीक है, अभी हम अपनी दूसरी पॉली लाइन अपना कमांड की तरफ आते हैं, लिस्ट की तरफ। तो उसकी कमांड है टेस्ट पॉइंट, तो मैं टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये 92 ले लिया। ठीक है, तो इधर पहले हमने पॉली लाइन सेलेक्ट कर रहे थे, अभी हमने अपना पहले सेक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे जहाँ जहाँ माउस कर्सर जा रहा है वहाँ वहाँ एलिवेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेशन आ रहा है, ठीक है, सेक्शन व्यू एलिवेशन आ रहा है, ओजीएल का आ रहा है। ठीक है, मतलब दो एलिवेशन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है,
एक ऊपर वाली प्रोफाइल का है और एक नीचे वाली प्रोफाइल का है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, स्टेशन का, स्टेशन पे OGL में क्या लेवल है और PGL में क्या लेवल है, दोनों हमें शो हो रहे हैं। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर देगा और उसका लेवल मेंशन कर देगा और प्लान में भी इसको मेंशन कर देगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट हो गया। अभी मैं इसी के साथ यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, आप लोग इसमें देखिए कि ये कैसे वर्किंग करती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको, ठीक है, इसके साथ स्नैप वर्किंग नहीं कर रहा मेरे साथ, मैं शेयर करूँगा, आप लोग चेक कीजिए इसको, इसका स्नैप वर्किंग करता है या नहीं करता। ओके, ये देखिए दूसरा पॉइंट भी हमारा इधर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी मैं इसमें एक OGL में पॉइंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, आप देखिए कि इन्हीं पॉइंट के दरम्यान में एक पॉइंट क्रिएट होना चाहिए, ये देखिए ये पॉइंट आ गया। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।